यो व्हाट्सअप गाइस, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अपनी लाइफ को अच्छी तरह जी रहेंगे। और आज हम फिर आपके लिए लाए हैं कार फार सेल का पार्ट 2, और इसमें हम खूब तरह सेल करेंगे और अच्छी अच्छी गाड़ियाँ देंगे और बेचेंगे और खूब पैसा कमाएंगे। और सुपर कार इस बार हम खरीदेंगे, इसके अलावा कोई कार नहीं खरीदेंगे। और इसके साथ हम शुरू करते हैं वीडियो, और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। आपने पिछली वीडियो में हमें कोई रिस्पांस नहीं अच्छा दिया, और फुल वाचिंग वीडियो की। और चलते हैं ऑक्शन की तरफ। आज ऑक्शन ओपन है, हम वहाँ से कोई अच्छी सी कार खरीदें, कोई सुपर कैरा कार आए तो हम वहाँ से खरीदेंगे। और चलिए शुरू करते हैं गेम को। आप लाइक एंड सब्सक्राइब और फुल वीडियो वॉचिंग कीजिएगा। आपका सपोर्ट की हमें सख्त ज़रूरत है। और इसके साथ हम ऑक्शन में पहुंच चुके हैं और टिकट भी ले चुके हैं। ये तो मोबाइल की गेम है, पर इसमें कुछ की पैड है वो पता। और हम काफ़ी लेट आए थे, और यहाँ पर ऑडी आर सॉरी सॉरी बुगाटी बिक गई थी, और कोई गाड़ी अच्छी नहीं मुझे लगी। इसके साथ एक होंडा थी या कोई भी थी वैगनार, वो हमने नहीं खरीदी। और ये मर्सिडीज थी, इसका काफ़ी सारा प्राइस अच्छा लगा और हमने इसे $80,000 में ख़रीद लिया। और इसे हम रिपेयर करवाएंगे, और इसके साथ हम इसे सेल पर भी लगाएंगे और इसकी मॉडिफाई करा लें। इसके टायर शायर चेक करते हैं, और ये न्यू अपडेट है, इसमें बहुत ही अच्छी अच्छी कुछ अच्छा अच्छा दिया है इसने हमने इन्होंने हमें अपडेट में। और इस वक्त मेरे पास $8,70,000 है, और मैं काफ़ी सारा इसे मॉडिफाई कराऊँगा। और उम्मीद है आपको ये गाड़ी मुझे अच्छी भी लगी होगी। ये BMW F90 है क्या है, मुझे मॉडल का नहीं अच्छा खासा पता। और इसके साथ हम ये कार सेल पर लगाएंगे, और उसके साथ हम करेंगे अपना शोरूम अपग्रेड, उसकी न्यू न्यू डिज़ाइनिंग और कलर वगैरह भी सारी चेंजिंग करेंगे। और जो हमें अच्छा लगा हम उसके साथ ही अपग्रेड करेंगे उसको। और हमने काफ़ी टाइम लगा कर सारे टायर वगैरह चेक किए, और हमें कोई भी अच्छा नहीं लगा है, तो सारे ठीक। ये 44 नंबर वाला हमें बहुत ही अच्छा लगा है, इसकी प्राइस भी मेरे ख्याल से 2,000 है, सारे की 2,000 है। और हम इसे पेंट करवाएंगे, हमें भी पेंट भी कोई अच्छा नहीं लग रहा। और इसके साथ हमने कोई अच्छा खासा करवा ही लिया है पेंट, और ये तो हमने ब्लू करवाया है, इसको भी कलर करवाना है अभी। गाड़ी को भी इसका कलर चेक करें कौन सा लग रहा है अच्छा, अभी तो कोई खासा इतना अच्छा नहीं लग रहा है इस BMW पे जाच रहा। और हमने येलो ही करवाया है, और तकरीबन येलो ही है इसका कलर। और हम करवा कर इसे सेल पर लगवाने वाले हैं, अपने शोरूम पर खड़े कर दिए, और इसको हम सेल पे लगाएंगे। 80,000 की हमने ख़रीद दिया, इसे हम 1.5-2 लाख में बेचेंगे। 1,80,000 हमने प्राइस लगाई, और देखते हैं कस्टमर इसका कितना रेट लगाता। और रात भी हो चुकी है काफ़ी सारी, और सुबह हो चुकी है, और हम अपने आप शोरूम को अपग्रेड करने वाले हैं। और इसके साथ एक लगता है हमारे पास कस्टमर आया नहीं, कोई नहीं आया, मुझे वैसे ही कोई नज़र आया तो मैंने कहा कस्टमर आ चुका, और नहीं, ये फाइनली ये कस्टमर आ चुका है। और इसकी देखते हैं ये क्या प्राइस लगाता है हमारे BMW की। ओ भाई शिट, ये तो 1.5 लाख अभी पहली बार ही दे रहा, और हमें ने 1,60,000 बोला है, देखते हैं खरीदते हैं क्या नहीं। ओ भाई साहब फाइनली ये हमने कार $1,65,000 में बेच दी, और हमें काफ़ी सारा प्रॉफिट इससे मिला। और हम अब करेंगे इसे अपग्रेड अपने शोरूम को, ये हमें लुक अच्छी लगी है, और हमें यही सेलेक्ट करेंगे, और अंदर वाला वाल भी चेंज करेंगे, सब कुछ ही चेंज करेंगे। ये हमारी लुक है बार की, और अंदर भी यही कलर करेंगे। ये उम्मीद है आपको ये अच्छा भी लगा होगा, और कैसा हमारा ये शोरूम लगा है आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और हम वाल सब कुछ ही चेंज करेंगे, क्या लुक है हम सबसे डिफरेंट करेंगे, हमें तो ये कलर अच्छा लगा है अच्छा खासा। और वाल भी अंदर वाले चेंज कर रहे हैं, पर हो नहीं रही, कोई ग्लिचिस है इसमें, हमने यही कलर चेंज किया। और बार वाली बार लट भी चेंज करेंगे, इसके साथ हम देख रहे हैं अपने एरिए को, और वाल भी चेंज है, सब भी अपार्टमेंट चेंज करेंगे, ये हमें अच्छा लगा है, और हम यही रखेंगे। नहीं यार वो चेंज नहीं हो रहा, हम फिर दोबारा ट्राई करते हैं, देखते हैं होता है कि नहीं। ये हमने अच्छा सेलेक्ट किया है, इसके साथ मैच भी कर रहा है,
और ये तो हमने कर दिया है। और आपको कैसी लुक इसकी लगी है हमारे शोरूम की? और भाई अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। और हम कार मार्केट की तरफ चलते हैं, कार मार्केट ओपन है और वहाँ या काफ़ी सारी गाड़ियाँ बुगाटी वगैरह ये तो हमारे जो ऊपर है। चलो चेक करते हैं बुगाटी की क्या प्राइस है। नहीं हम ये तो वही कार है लैम्बोर्गिनी, इसने हमें काफ़ी सारी प्रॉफिट दी है और सन 2019 मॉडल है, 5 लाख के बेच रहा है, हमने 5.5 लाख प्राइस दी है। देखते हैं ये नहीं मारा, 6,99,000 की दे रहा है। चलो 6 लाख बोलते हैं, देखते हैं मानता है कि नहीं। और ये फाइनली हमने ये भी कार खरीद ली और हम फिर इसे मॉडिफाई करवाएंगे और हमें इसने टो करवा कर भेज दिया अपने शोरूम में और कोई अच्छी सी कार खरीदी। हमारे पास बजट का थोड़ा कम है, इसके साथ हम कोई प्राइस लो वाली गाड़ी खरीदेंगे और इसके साथ हम उनको रिपेयर भी करवानी है। और ये डॉज ट्रॉलिंग है, हम इसे ही खरीदेंगे, 40,000 में बेच रहे हैं, हम इसे प्राइस देते हैं 35,000, देखते हैं मानता है कि नहीं। ये नहीं मान रहा, हमें इसे 35,000 बोलना चाहिए और 35,000 हम बोले हैं। और ये हमने फैनली कार ये भी खरीद लिया $35,000 की और ये हमने सारा मॉडिफाई करवा कर ये कलर सेलेक्ट किया और उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। ये टायर भी देख लें आपको कैसा लगा, और हमने सेल पर लगा दी और 2 कस्टमर फोन आ चुके हैं और हम इससे बर्निंग करते हैं, देखते हैं क्या ये हमें अच्छी प्राइस देते हैं कि नहीं। वाह $71,000 दे रहा, हमने 80,000 प्राइस इसकी लगाई दी है और फोर्स ने खरीद ली है और हम लैम्बोर्गिनी ये तो अच्छी प्राइस नहीं दे रही, 6 लाख की खरीदी है, इस पर मॉडिफाई करवा कर हम आए 6, 6.5, 7 लाख में पड़ी है, इतने में हम नहीं देंगे। ये भी अच्छा खासा मेरे ख्याल से, हम इससे भी पूछ लेते हैं क्या आप दे रहे हो हमारे गाड़ी, वही उतने ही प्राइस दे रहे हैं, हम इतने में नहीं देंगे, हम इससे कम से कम 2-3 लाख तो प्रॉफिट लेंगे। ये नहीं काफ़ी टाइम हो रहा है, कोई कस्टमर अच्छा रेट नहीं दे रहा, इसके साथ ये भी 7.5 लाख दे रही है, हम इससे बार्गेनिंग कर लेते हैं, नहीं इसे भी जाने देते हैं, इतने खासे रेट अच्छे रेट में हम बेचेंगे, इतनी महंगी कार खरीदी और प्रॉफिट कोई भी नहीं दे रहा, ये भी 7,65,000 दे रहा है, इसे बार्गेनिंग करते हैं 99 बोलते हैं, देखते हैं कि मानते हैं कि नहीं। 10 लाख बोला है, नहीं मान रही, चलो आप भी जाओ, हम इतने में नहीं बेचेंगे, इसे 9 लाख 10 लाख के अंदर अंदर बेचेंगे, इससे कम नहीं। और ये भाई साहब $7,75,000 दे रहा है, अच्छी प्राइस दे रहा है पर हमें इतने में नहीं वारा खा रही, और 99 लाख डॉलर में दे दी। यस भाई साहब उसने 9,09,000 डॉलर में खरीद ली और आज हम ऑक्शन की तरफ जाएंगे, ऑक्शन ओपन है, देखते हैं हमें कोई अच्छी कार पसंद आएगी कि नहीं और ऑक्शन में कौन कौन सी कार आई है देखते हैं। और ये पहले ही बुगाटी ये तो 18 लाख की है भाई साहब, ये हमारी प्राइस से ऊपर है बहुत सारी, हमारे पास इतना है ही नहीं बजट। और वो तो नहीं खरीदी ये वैगन आर छोटी लौडी ने भी, क्या मार नाम है इसका मुझे नहीं लाऊँ, ये इसकी प्राइस देखते हैं क्या है, 5,000 में बेच रहे हैं और हम इससे में कोई लगाते हैं कितने में खरीदते हैं, और हमने भी इसके साथ प्राइस लगा रहे हैं, ये 5,200 पे चली गई है, 6,000 में बेच या और 8,800 और 7,000 तक तकरीबन ये बिक जाएगी और हम इसमें हिस्सा ले रहे हैं, 7,300 की हो चुकी है। और ये फाइनली हमने गाड़ी खरीद ली है और इसके साथ हम अपने शोरूम पे भी ले जाएंगे। और ये हमने डॉज बुरी सी गाड़ी खरीदी है और इसे हम सेल पर भी लगा दी और एक कस्टमर आ चुका है, हम इसे सस्ते में ही बेचेंगे और ये 12,000 दे रहा, और हमने इससे कोई बात नहीं की और सेल कर दी। और सुबह होने वाली है, रात होने वाली है और हम सोने के लिए जा रहे हैं और सुबह मिलते हैं, अगले दिन कार मार्केट ओपन होगी और हम वहाँ से बहुत ज़्यादा कार खरीदेंगे, हमारे पास बजट काफ़ी सारा है, 10 लाख डॉलर है, इसमें काफ़ी सारी गाड़ियाँ खरीद लेंगे और सुपर बुगाटी वगैरह तो नहीं खरीदने होंगी पर हम ट्राई करते हैं। ये तो कचरा बहुत सारा पड़ा हुआ है हमारे शोरूम में, ये कौन सब फैला देते हैं, ना सफाई करते हैं या ना कुछ, इतना गंदगी है इस अपडेट में भी हम
आ चुकी है और ये हमने साफ कर रहे हैं। अपना शोरूम की सफाई कर रहे हैं, ये कचरा उठा रहे हैं और कचरा उठाकर फौरी कार मार्केट ओपन की तरफ जाएंगे। नहीं, आज तो संडे है, मेरे ख्याल से आज कोई ओपन नहीं होगा और हमें सोना ही पड़ेगा। और इसके साथ हम अगले दिन का वेट करते हैं और वहाँ पे जाएंगे सुबह रात। फाइनली हमने बहुत रेस्ट की और सुबह उठकर कार मार्केट की तरफ चलते हैं। और इसके साथ हमें बुगाटी मिली है 44 लाख में। इस इतने में तो हमसे खरीदने नहीं होगी और ना हमारा इतना बजट है और हमारा दिल है कोई सस्ती सस्ती सी कार खरीद लें। इसके साथ काफ़ी सारा प्रॉफिट होगा और हम उससे बहुत सारी और अच्छी अच्छी कार खरीदेंगे। और ये डॉजिंग मिली है, हमने इसे 40,000 में ख़रीद लिया और टो करवा दिया अपने शोरूम में। और ये एक और डॉज जो है ये 51,000 डॉलर में दे रहा है हम इसे। ये अच्छी खासी ठीक है, उससे डैमेज कम है और 45,000 डॉलर में हमने ख़रीद लिया इसे। और कोई कार देखते हैं, ये वैगन आ रहा है, ये भी नहीं अच्छी मुझे लग रही। कोई बात नहीं है, हम इसे बार्गेनिंग नहीं का 8,000 डॉलर में दे रहा है, ये तो नहीं हम ख़रीदेंगे। ये एक ऑडी RS7 है, ये 1,40,000 है, हम इसे 1,05,000 बोल रहे हैं, ये नहीं मान रहा। इसके साथ हम इसे 1,15,000 बोलते हैं, देखते हैं मानता है कि नहीं। हो नहीं, ये अभी तक तो नहीं मान रहा, हम इसे 20 बोलते हैं, 1,20। ओ यस भाई, ये तो 1,20 में हमने ख़रीद ली और टो भी करवा दी है। ये तो BMW लो मॉडल है, हम कोई अच्छी सा मॉडल ले। हमने 3 गाड़ियाँ ख़रीद ली हैं और काफ़ी सारी। ये BMW F90 है, ये तो इतनी महंगी दे रहा है हमने, और ऑक्शन में तो बहुत सस्ती ख़रीदी और फाइनली 1,05,000 में ये ख़रीद ली। रेट बहुत हाई बोल रहा था पर कोई बात नहीं, हमने थोड़ा बार्निंग कर कर कम करवा लिया था। और इसके साथ हमने काफ़ी सारी गाड़ी खरीद ली और कोई अच्छी मुझे नहीं नज़र आ रही। मेरा दिल है कोई एक कार ले लें, ये भी नहीं अच्छी, ये भी लो है। और ये BMW है या मर्सिडीज़ है, ओ ना भाई, 3,70,000 डॉलर की दे रहा और हम इसे 3 लाख बोलते हैं, देखते हैं मानता है कि नहीं। हाँ ये तो दिमाग है, इसे कोई कम प्राइस कितने में इसे कहे, 1,20,000 30,000 बोला है, देखते हैं मानता है कि नहीं। और फाइनली ये भाई साहब हमने कार 3,03,00,000 में ख़रीद ली और टो भी करवा दी है। और कोई कार देखते हैं, नहीं खरीदी। काफ़ी सारी हमने शोरूम से कार खरीद ली और काफ़ी सारा हमने शोरूम खाली कर दिया है। अगर हमारे पास काफ़ी पैसा होता तो हम सारी की सारी खरीद लेते। कोई बात नहीं, अगली एपिसोड में हम सारी खरीदेंगे। और शाम हो चुकी थी और हम सोकर सुबह सारी गाड़ियों को फिर सारा कुछ करवा कर अपने शोरूम में खड़ी कर दी थी और प्राइस भी लगा दी थी। और कस्टमर का रश देखें आप, कितना रश है और काफ़ी सारे अच्छे अच्छे प्राइस दे रहा है पर मुझे नहीं कोई पसंद आ रही प्राइस। ये 69 दे रहा है डॉलर चल जी की, ये ठीक प्राइस दे रहा है, इसे 80 बोलते हैं, मानता है कि नहीं, देखते हैं। और इसके साथ हमने एक गाड़ी बेच दी है जो 45,000 के लिए थी, वो 80,000 डॉलर में हमने बेच दी और ये भी अच्छी प्राइस दे रहा है, इसे 75 बोलते हैं, नहीं मान रहा। चलो कोई बात नहीं, हम और के साथ डीलिंग करेंगे, ये भी 76,600 बोल रहा है, इसके साथ हम 76 बोल रहे हैं, देखते हैं मानते हैं अगर नहीं, ये भी नहीं मान रहा। चलो कोई नहीं, आप जाओ, हमारे पास और कस्टमर भी बहुत हैं, हम उनके साथ भी बार्गेनिंग कर और अच्छी खासी बेचेंगे। ये 77,000 फाइनली ये हमने 78,000 डॉलर में बेच दी, ये अच्छी कार हमें प्राइस में बेच दी है। और आज ऑक्शन भी ओपन है पर कोई बात नहीं, वहाँ से तो इतनी अच्छी कार गाड़ी मिलती नहीं है। इसके साथ हम अपनी गाड़ियों को सेल करें और सुबह ख़रीदेंगे गाड़ियाँ। ये 2,20,000 में फैनली फैनली बिक जो 1,05,000 में हमने लाई थी, ये 1,63,000 बोल रहा है, ये भी नहीं हम बेचेंगे इसकी। हो ये 1,65,000 बोल रहा है, इसके साथ बार्निंग भी नहीं करेंगे, ये 2 लाख में कम से कम बेचनी चाहिए, ये तो अच्छी खासी प्राइस दे रही है, 1,73,000 इसे 2 लाख बोलते हैं, 2 लाख या 2 लाख से ऊपर थोड़ा बोल कर देखते हैं कि
क्या मानती है कि नहीं। देखते हैं 2,08,000 हमारा दिल्ला बोले क्या खरीद सकती है कि नहीं। 2,200 फैन ये खरीद ली। ये मर्सिडीज है हमारी जो सबसे महंगी कार थी इस वक्त। ये 5 लाख दे रहा है, हमने इसे 6 लाख की प्राइस रखी है, इसे 6 लाख से ऊपर ही है। देखते हैं इसे बार्निंग करते हैं, देखते हैं कि मानता है कि नहीं। इसे हम 5,98,000 बोलते हैं। और फैन ये हमारी कार बिक गई है, और सुबह के लिए हम कार मार्केट भी ओपन है। अगले दिन हम अपने कार मार्केट की तरफ जाएंगे और वहां से कोई अच्छी कार खरीदेंगे, और देखते हैं क्या क्या कार है हमारे पास। इस वक्त $15 लाख है। और वाह नाइस, अरे तो बहुत अच्छी अच्छी कार आई हैं, पर हमारी प्राइस से बहुत ही ऊपर होंगी मुझे लग रहा है। और कोई अच्छी प्राइस में हमारे पास कोई गाड़ी नहीं नज़र आ रही। और ये मैकलारन है, ये तो बहुत ही अच्छी कार है, सन 2013 मॉडल है, और इसके साथ काफ़ी सारी डैमेज भी है। और चलो कोई बात नहीं, मेरा दिल तो कर रहा है खरीद लूँ, पर इतनी बजट नहीं है मेरे पास। और ये 6 लाख वही है लैम्बोर्गिनी जो ओल्ड मॉडल है, क्या लैम्बोर्गिनी है या जो भी है, मुझे इसका नाम नहीं इलम। और ये हम मैकलारन के साथ हम डील करते हैं, देखते हैं मानता है कि नहीं। ये 16 लाख बोल रहा है, हम इसे 14 लाख बोलते हैं। 14,09,000 10,000 ही कर लो बोला है, और देखते हैं मानते हैं कि भाई साहब ने। ओ फैन ये हमने कार खरीद ली $14 लाख में। और ये लुक चेक करें, क्या ये अच्छी कार हमें इस मार्केट से मिली है। और इसके साथ भाई साहब वीडियो भी काफ़ी लंबी हो चुकी है, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो हम शॉर्ट बहुत ही शॉर्ट कर कर भेज लाएंगे, सिर्फ कार ही खरीद कर सेल करेंगे, इसके अलावा कोई नहीं। ये हम चला कर अपने रिपेयरिंग सेंटर में लेंगे, और देखते हैं इसकी रिपेयरिंग कितने में होगी, पर इतने हमारा पास बजट भी नहीं है। चलो देखते हैं कि कितने में होगी, मेरे पास $1,09,000 है, और हम रिपेयरिंग के लिए देखते हैं मानते हैं भाई साहब के नहीं। ये बहुत ही इसकी रिपेयरिंग ज़्यादा हो रही थी, पर हम इसे पेंटिंग करवा लेते हैं और टायर टूल चेंज करवा लेते हैं। हमने टायर भी चेंज करवा लिया, हमें ये बहुत अच्छे टायर लगे, इसके साथ कलर भी हमने करवा लिया है, मुझे तो अच्छा खासा लगा। और इसके साथ हम पेंटिंग भी करवा रहे हैं, ये भी कलर मुझे तो ये अच्छा लगा, ये क्रोल, और मैंने ये ही करवा लिया। और इसका बाकी डैमेज वगैरह काफ़ी है, ये बताली डर्टी है, और इसे हम वॉश भी करवाएंगे। इसके साथ ये हम गाड़ी अभी नहीं बेचते, हम इसे और भी गाड़ी खरीद लें, और इसके साथ इसे रिपेयरिंग करवाएंगे, और आप को ये दिखाएंगे इसकी क्या लुक है। इसे हम धुलाएंगे भी, स्पीड भी इसकी चेक करेंगे क्या स्पीड है, फिर इसे जाकर बेचेंगे। और हमने अपने शोरूम में इसे खड़ी कर दी, और हम फिर कार मार्केट की तरफ जाएंगे, वहाँ से कोई अच्छी दो तीन कारें खरीद लें। वहाँ मेरे पास $1,09,000 है, देखते हैं $1,03,000 है, देखते हैं कोई अच्छी सी कार मिलती है कि नहीं। और हमने डॉल चार्लिंग देख लिया कार मार्केट में, और हम इसे बार्निंग करेंगे। ये तो 35,000 इसे बोला, ये 42,000 बोल रहा था, ये नहीं मान रहा, और हम इसे 38 ही बोलना पड़ेगा क्योंकि इतने में ही ये देगा। और हमने फैनली $38,000 में खरीद लिया, और इसे टो करवा दिया। और इसके साथ ये वैगन हम खरीदेंगे, फोर्ड ब्रॉन्स क्या नाम है, सन 2003 मॉडल, बिल्कुल न्यू मॉडल है, ये 68,000 बोल रहा था, हमने इसे 55,000 में ख़रीद ली है फैनली। और ये चेक करें हमारी लुक, ये क्या ही लुक लग रही है हमारे शोरूम की, तीनों ही गाड़ियां हमने यहाँ पर लगाई है, और बहुत ही अच्छी लग रही है। और हमने सेल पर भी दोनों गाड़ियाँ लगा दी थी, पर इसमें कस्टमर भी आ चुके हैं, और हमें सिर्फ देख चेक करते हैं ये कि ख़रीदते हैं कि नहीं। और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो को शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। इसके साथ हमने ये 68,000 बोल रहा है, हमने इसका 99,00,000 प्राइस रखी है, देखते हैं कि मानता है कि नहीं। 80,000 बोला है, ये नहीं मान रहा, और हमने इसे छुट्टी करवा कर ये भाई साहब मुझे लगता है ख़रीद लेंगे, ये अच्छे खासे लग रहे हैं, हम बिजनेस मैन ही कोई हैं। और हमने इसे वही प्राइस बोली, और फैन ली इसने उसी प्राइस में ही ख़रीद ली है, और हमारे पास काफ़ी सारा पैसा हो चुका है। ये 84,000 बोल रही है, नहीं हम इसका $1,25,000 रखा है प्राइस,
और 1,10,000 है, हम इसे बोल रहे हैं ये नहीं मान रही, और ये भाई साहब मुझे लगता है ख़रीदेंगे, लाजमी ख़रीदेंगे क्योंकि ये बिजनेस मैन अच्छे हैं, और हमें इसे 1,05,000 बोलते हैं। और पहले हमने ये भी कार बेच दिया और हम अब इसे कराएंगे रिपेयरिंग इसकी सारी की सारी, और इसे हम भंगाएंगे, इसकी रेस भी चेक करेंगे क्या स्पीड है इसकी, और इसको वॉश भी करेंगे, वॉशिंग एरिया बहुत ही दूर है और हमारे पास इतनी नहीं कैपेसिटी के हम हाथ से कर लें। इसके पास अभी अपडेट में नहीं आई, उम्मीद है अपडेट आएगी और सारी की सारी करानी। 1,31,000 डॉलर में ये रिपेयर हुई है, 2 लाख तो लग ही चुका जाएगा, हमारा उम्मीद है। आगे भी हमने रिपेयरिंग पेंटिंग वगैरह करवाई थी और इसके साथ हमने 1,31,000 डॉलर और लगाया है। इसके साथ बहुत ही ये भाग रही है, 100 की स्पीड की जा रही है, 100 से भी ऊपर है, इसका कंट्रोल बहुत ही मुश्किल से हो रही है। हमारे पास देख लें, चेक करें, यह ड्रिफ्टिंग भी कर रही है, हम से कंट्रोल नहीं हो रही है, और काश वाश भी तकरीबन पास आ चुका है और हम इसे भगा रहे हैं। 105 की स्पीड, 111-112 की स्पीड नॉर्मल है इसकी, देख लें बहुत ही ऊपरी भागती है। और आपको उम्मीद है ये कार भी अच्छी लगी होगी और हमारी ये मॉडिफाई भी इसकी बहुत ही अच्छी लगी होगी। इसके साथ प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, और इसके साथ हमारी वीडियो भी काफ़ी लंबी हो चुकी है और हम इसे वॉश करवाएंगे और अपने शोरूम पे ले जाएंगे, इसे बेचेंगे नहीं। आप प्लीज़ लाइक बताइएगा इसको कितने प्राइस में हम बेचें, और इसे हम कल ड्रिफ्टिंग रेसिंग में भी ले जाएंगे, इसकी चेक करेंगे रेस कितनी है, स्पीड कितनी है, और कार वॉश की न्यू अपडेट है, और चेक करें कैसे वॉश हो रही है, चेक करें भाई साहब फाइनली इसने कार वॉश हो चुकी है और हम इसे अब शोरूम में ले जाएंगे। कोई डल्टी कोई डैमेज नहीं है गाड़ी में, अब इसे चेक करेंगे क्या ड्रिफ्टिंग कर रही है, क्या लुक कर रही है, इसको चेक करें भाई साहब। हम इसे अब अपने शोरूम में ले जाएंगे और वहाँ पर हम इसे खड़ी कर देंगे, अपने शोरूम की लुक भी बहुत अच्छी हो जाएगी। और इसके साथ हमारी वीडियो भी मुकम्मल हो चुकी है और आपको उम्मीद है यह वीडियो अच्छी लगी होगी, और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और यह चेक करें क्या भागती है ये कार। मुझे तो बहुत अच्छी लगी है, यह अपने पर्सनल के लिए भी रखूँगा मैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, और अगली वीडियो में सुपर सुपर कार खरीदेंगे, ये हमें सेल करनी पड़ेंगी क्योंकि हमारे पास अभी बजट नहीं है। चेक करें ये लुक इसकी, चेक करें पहले फिर बात होगी, और वहाँ पर ये चेक करें क्या ये लुक है। हम इसकी अंडर से भी इंटीरियर भी चेक करवाएंगे क्या है, इतना अच्छा है, कैसा लगा आपको। और ये हमने अपने शोरूम में खड़ी कर दी है, और भाई साहब वीडियो को भी प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और फुल वीडियो वॉचिंग कीजिएगा, और हमें भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और आप इस वीडियो में बहुत हमें प्यार देना क्योंकि आपके प्यार की बहुत ही ज़रूरत है। और हमने इसे इंटीरियर भी आपने चेक कर लिया और वीडियो काफ़ी लंबी होगी, और हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। और रात भी हो चुकी है और अगली वीडियो में मिलेंगे, अल्लाह हाफ़िज़, गुड नाइट।